लेकिन खैर, तो अभी आपके सामने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है, अभी आपके सामने सिर्फ चार कैंडल्स हैं। लिस्टिंग के बाद ज़बरदस्त गेन, उसके आगे भी चला, लेकिन उसके बाद अब कहीं पे ये थोड़ा सा ठंडा पड़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें आप क्या कर रहे हैं या क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम तो लगातार सेलेक्ट है सजेस्ट यही कर रहे थे कि बेच के निकल जाइए, क्योंकि आप पेरेंट से ज़्यादा सब्सिडियरी को वैल्यू कर रहे हैं। हालांकि पेरेंट में इंक्लूडेड ही था ये बिजनेस। लॉन्ग टर्म सर्टेनली एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है, काफ़ी बढ़िया बिजनेस है। पिछले कुछ समय में जो ग्रोथ रेट्स आए हैं वो काफ़ी फेनोमिनल है। आने वाले समय में भी हम ये उम्मीद नहीं करते कि बजाज को ऐसा कोई चैलेंज रहेगा। लेकिन वही सवाल आपको यही पूछना है कि किस वैल्यूएशन पे आपको एक फंटास्टिक कंपनी लेनी है। तो मुझे लगता है जो बड़ा पैसा है वो इस वैल्यूएशन पे बजाज को लेने नहीं आएगा, हाउसिंग फाइनेंस को खास करके। तो मुझे लगता है वहाँ पे आपको अभी भी कितना, बस मेरे हिसाब से पीक पे शायद 7-8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा था। ये अबनॉर्मल प्राइसेस है। और हाउसिंग फाइनेंस में ऐसा नहीं है कि, मतलब किसी भी फाइनेंस कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बैलेंस शीट लिवरेज करते हैं तो ओवरनाइट कुछ मैजिक नहीं होता है। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जहाँ वो ग्रो करेंगे, ये पैसे आएंगे, वो उसको ग्रो करेंगे, एनपीए साइकिल वगैरह कंट्रोल करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कि कल डबल हो जाएगा, परसों डबल हो जाएगी, कमाई में ऐसा कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इनिशियली जो थोड़ा यूफोरिया था वो प्ले आउट कर गया है। अब मेरे हिसाब से अगले साल भर 1.5 साल में ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज होके एक डिसेंट लेवल पे आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये वैल्यूएशन सस्टेन करना काफ़ी आसान होगा बजाज होल्डिंग फाइनेंस के लिए। जी,